एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का सीक्रेट प्लान तैयार, भारत पर पलटवार। विराट कोहली से सीखने की जरूरत, भारत को हराना होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं ऑस दिग्गज। तो जिया जहां एक तरफा प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस भारत का मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख टीम भारत के खिलाफ एडिलेड के सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब पिछली बार एडिलेड में भारत को 36 बार ऑल आउट करने में जॉस हेजलवुड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इस एडिलेड टेस्ट मुकाबले में, डे नाइट टेस्ट मुकाबले में जॉस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो प्लेइंग 11 से बाहर है, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अब और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े गेंदबाज की टीम में एंट्री करवाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने भारत को हराने के सीक्रेट प्लान भी तैयार कर लिए हैं, और हर कोई भारत को हराने की अपनी अपनी राय जग जाहिर कर रहा है। आइए आपको बताते हैं एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला जीतना जरूरी है अगर सीरीज में वापसी करनी है, और अगर इंडिया ने यहाँ पर एक और क्लिक कर दिया तो ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से जा सकती है, क्योंकि फिर इंडिया ये आप सीरीज नहीं छोड़ने वाले हैं। और इंडिया उसके लिए प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मुकाबला खेलकर उसकी तैयारी भी कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर 11 में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा बयान इंडियन क्रिकेट टीम और उनके प्लान्स को लेकर दिया है। चलिए एक एक करके तमाम दिग्गजों के रिएक्शन जानते हैं एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले, क्यों फिर माहौल गर्माने लगा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, एडिलेड टेस्ट मुकाबला भारत जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और पर्थ टेस्ट मुकाबले की जीत से खुश है तो सब्सक्राइब का बटन उसी खुशी में जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर 11 और भारत का जो मुकाबला हुआ उसमें ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। अचानक क्यों करने लगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम कमेंट्री पैनल में कमेंट्री, और बताया जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट। जी हां, कैनबरा के अभ्यास मैच में बारिश ने खलल डाला और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बिज ने ड्रेसिंग रूम में दोनों टीमों से मुलाकात की और कमेंट्री पैनल में कमेंट्री करते हुए नजर आया, और उसमें वहां पर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जॉस हेजलवुड की जगह तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल करने की बात कही। शनिवार को साइड स्ट्रेन की चोट के कारण जॉस हेजलवुड ओवल टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इसकी गेंदबाजी में एक जगह खाली हो गई है। बोलैंड पहले से ही टीम में शामिल है, वो पर्थ टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाए, लेकिन अब बोलैंड पूरी तरह से तैयार है। और प्लेइंग 11 में हेजलवुड के रिप्लेसमेंट पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा, स्कॉट बोलैंड मुझे लगता है कि वो खेलने के हकदार है, उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया, बेशक उन्होंने बहुत देरी से शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हेजलवुड के साथ कुछ हद तक समान खिलाड़ी की तलाश कर रहे हैं तो कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको कभी निराश नहीं करता वो है स्कॉट बोलैंड, और उसे टीम में शामिल करना। अल्बनीज ने यहां तक कहा कि स्कॉट बोलैंड थोड़े बदकिस्मत हैं कि वो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क्स और हेजलवुड के समय टीम में है, मुझे केवल पीएम 11 में चयन करने की भूमिका मिलती है, यह निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं पर निर्भर करेगा, अगर यह मुझ पर निर्भर होता तो मेरा सुझाव है हम देखेंगे कि व्यापक अर्थों में मेरा कोई प्रभाव है या नहीं है। पहले टेस्ट में भारत 295 रन से मिली हकरारी हार पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे क्या होने वाला है, इस पर प्रधानमंत्री आश्वस्त है कि उनकी टीम वापसी करेगी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया उन्हें कभी कमतर न आके, मुझे लगता है कि वे एडिलेड में बहुत मजबूत से वापसी करेंगे, और इन दोनों टीमों के बीच शानदार प्रतिद्वंद्वता भी इस सीरीज में रहने वाली है। अब देखिए कितना इंटरेस्ट ले रही है ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में कि उनके प्रधानमंत्री तक इस सीरीज को लेकर, उनके प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अपनी टीम की वापसी के प्लान बना रहे हैं। ये सीरीज कितनी वैल्यू पुट करती है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के प्लान भी जानते हैं। जैसे स्कॉट बोलैंड जो कि शामिल होने वाला है टीम में, उन्होंने प्लान बना लिया है भारत को हराने के लिए। ये देखिए, वे बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन यशस्वी और राहुल को बोलैंड ने ललकारा, एडिलेड के लिए सीक्रेट प्लान तैयार है। ये स्कॉट बोलैंड है जो कि टीम में शामिल होने वाले हैं। बोलैंड ने पत्रकारों से कहा, हमने बतौर टीम सभी भारतीय बल्लेबाजों के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात की है, मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास काफी अच्छी योजनाएं हैं, पर्थ में खिलाड़ियों को फिर से देखने के बाद इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। बोलैंड ने कहा, निश्चित रूप से यशस्वी ने अच्छी बल्लेबाजी की, केएल राहुल ने भी दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, हम अगले हफ्ते इस बारे में शायद बातचीत करेंगे और हमारी योजना में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमने पहले मैच में जो किया वो अच्छा था। यहां बोलैंड ने साफ कहा है कि हर भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाज के लिए हमारे पास प्लान है। यही तो कहना है मिचेल जॉनसन का,
मिचेल जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट और दिग्गज है, इन्होंने भी अपनी बात करी है और उन्होंने कहा, इन्होंने अपने बयान देते हुए कहा, लाबुसैन को खराब फॉर्म के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर कर देना चाहिए। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि लाबुसैन टीम में हकदार ही नहीं है, उन्हें कुछ समय के लिए सेफील्ड फील्ड और क्लब क्रिकेट में खेलने का मौका दिया जाए, वहाँ बिना दबाव के खेलते हुए अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं, यह उनके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते दिख रहे हैं। जॉनसन ने आगे कहा, कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ पहले टेस्ट की बात है, लेकिन ये सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है। पिछले 10 टेस्ट पारियों में लाबुसैन सिर्फ एक बार 10 रन से ऊपर का स्कोर बना पाए हैं। हर क्रिकेटर के कैरियर में एक ऐसा समय आता है जब उसे टीम से बाहर किया जाता है, और असली सवाल ये होता है कि खिलाड़ी इससे कैसे वापसी करता है। इयान हिली ने ऑलराउंडर को मौका देने की सलाह दी है। जी हां, इयान हिली जो ऑस्ट्रेलिया के और दिग्गज है, उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज इयान हिली ने टीम मैनेजमेंट के अनकैप्ड ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को टीम में शामिल करने की मांग की है। वेबस्टर को ऑलराउंडर मिचेल मार्श को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया जाए जो फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं मिचेल मार्श की जगह पर। ये कुछ इस तरह की बातें ऑस्ट्रेलिया प्लान बना रहा है कि लाबुसैन को बाहर किया जाए, ये मिचेल मार्श को बाहर करने की बात कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं भारत के खिलाफ एक एक करके। जैसे जस्टिन लैंगर ने भी एक बहुत बड़ी बात कही। जस्टिन लैंगर ने कहा, भारत के खिलाफ कहते ये भूल बिल्कुल मत करना। जस्टिन लैंगर ने भारत को कमतर आंकने और ऑस्ट्रेलिया को भी कमतर न आंकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एक बात जो आप कभी नहीं कहेंगे कि वो है चैंपियन को कम आंकना। भारत चैंपियन है, यह हर खेल में होता है क्योंकि वे किसी कारण से चैंपियन होते हैं। भारत में 1.5 अरब क्रिकेट प्रेमी हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस को टीम में एक्सीलेंस की आशा करते हैं। ऐसे में टीम बहुत दबाव में होगी, इसीलिए वे कैसे लड़ते हैं ये देखना अहम होगा। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम के काफी खिलाड़ी बूढ़े हो रहे हैं, हो सकता है कि वे ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर आखिरी बार एक दूसरे से भिड़ते देखें। इसलिए जस्टिन लैंगर ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी अमूमन यही स्थिति है, गेंदबाजी आक्रमण अब बहुत सीनियर हो गया है, इसलिए जब तक हो सके इस सीरीज का लुफ्त उठाइए। और पर्थ टेस्ट मुकाबला हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया कैसे वापसी करता है, जस्टिन लैंगर ने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि भारत तो अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इतना ही नहीं, जस्टिन लैंगर ने कहा कि भारत में अगर वो खिलाड़ी आ गया तो फिर और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मतलब मुश्किलें बढ़ जाएगी कप्तान के तौर पर अगर रोहित शर्मा की वापसी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा वापस आ जाते हैं तो मैं हैरान होऊंगा और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। विराट कोहली के लय में लौटने के दिग्गज के फूले हाथ पांव सताने लगा सीरीज हार का डर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों में अब विराट कोहली का खौफ कुछ ज्यादा ही है। जी, आइलैंड बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हैं, उन्होंने रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कोहली को शतक बनाने दिया, मैं बहुत निराश हूं। हम नहीं चाहते कि पूरी सीरीज में वो कोहली इस तरह के आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करे। बॉर्डर ने कप्तान पैट कमिंस की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में जूझते हुए नजर आए विराट कोहली को फॉर्म में लौटने का ये मौका दिया है, और आप अगर ऐसा मौका दोगे तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज ऐसे मौके गंवाते नहीं है, ये आइलैंड बॉर्डर ने कहा है। मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज है, उन्होंने भी कुछ इस तरह से कहा कि विराट कोहली को उसकी पारी की शुरुआत में ही आउट करना चाहिए था। फील्ड प्लेसमेंट ऐसे थे कि उसने आसानी से रन दिए गए जबकि वो इससे पहले दबाव में था। उन्होंने कहा, शॉर्ट गेंद डालने में भी ऑस्ट्रेलिया ने देर करी, जायसवाल शॉर्ट गेंद नहीं खेल पा रहे थे, पैट कमिंस की कप्तानी अच्छी नहीं थी, पहले वो अच्छे गेंदबाजों का प्रयोग नहीं करा। तो कुल मिलाकर मैथ्यू हेडन भी जायसवाल और कोहली को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दिए हैं। और रिकी पॉन्टिंग की अगर आप बात करोगे तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम अब विदेशी पिचों पर भी बेहतर खेल सकती है, ये भारत ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से वापसी करी, उनके गेंदबाजों ने एक अच्छे स्पेल डाले, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पहले लगा कि वो भारत पहला टेस्ट मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन पर्थ में जाकर ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना ये दिखाता है कि आप विदेशी परिस्थितियों में भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। न केवल आप अपने अब घर के शेर रह गए हैं बल्कि अब आप आगे भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बयान ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के सामने आ रहे हैं जो कि एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले सीक्रेट प्लान की तैयारी कर रहे हैं और हर एक खिलाड़ी के खिलाफ योजना बना रहे हैं।